खबर ग्वालियर जिले से है, जहां के महाराजपुरा स्थित आदित्यपुरम में रहने वाले भाजपा नेता राजा भैया गुर्जर और उनके चालक शैलेंद्र गुर्जर के साथ एक रिटायर्ड फौजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। दरअसल रिटायर्ड फौजी शराब के नशे में बताया गया है और गाड़ी हटाने को लेकर उसका विवाद हुआ था। बता दें कि रिटायर्ड फौजी से जब भाजपा नेता राजा भैया गुर्जर के चालक ने गाड़ी हटाने के लिए कहा तो उसने मारपीट शुरू कर दी। वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इंटरनेट मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके तहत ही महाराजपुरा पुलिस ने भाजपा नेता की शिकायत पर एक नामजद और दो अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया है, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल एक व्यक्ति हैं जो पार्टी विशेष में किसी पद पर हैं, उनके द्वारा थाने आकर एक वीडियो प्रस्तुत किया गया था कि उनके साथ कुछ लोगों ने मिलकर के मारपीट की है और एक पूरा विवाद पार्किंग को लेकर के हुआ था, जिस वजह से एक व्यक्ति जो पूर्व फौजी भी है उसने और दो अन्य लोगों ने मिलकर प्रार्थी के साथ में मारपीट की, जिस पर से मारपीट की धाराओं में थाना महाराजपुरा में एक अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है और शीघ्र ही उन लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास।